तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो हम नंबर सिस्टम में 1.1 1.2 इसको समझ लिए हैं। लास्ट वाली एक्सरसाइज में बड़ा धांसू क्वेश्चन, इसमें इरेशनल नंबर मुझे फाइंड आउट आई मीन प्रूफ करना था। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं। ओके, सो राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड शे व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल से मतलब है कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी है तो किस टाइप का नॉन टर्मिनेटिंग, क्या वो रिकरिंग होगा या नॉन रिकरिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है। कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं 36/100 0.36, बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ पे क्या कह रहा है हाँ, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म, हो गया। बट क्या है ना, थोड़ा डिवीजन डिवीजन करके दिखा दोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ओके, कि हाँ तुमको तो पता है रिजल्ट क्या आएगा। तो चलो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे जो ऊपर वाला टर्म है उसको हम बीच में रखते हैं और यहाँ पे 100। ठीक है, एंड देन इसके बाद हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो 100 से 36 नहीं डिवाइड जाएगा, तो हम पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, जीरो बैलेंस करने के लिए। तो 0 पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट लगाया तो 0 आ गया, तो 3 टाइम जाएगा तो ये 300 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 60 एज अ रिमाइंडर। फिर पॉइंट लगाने की जरूरत है नहीं, पॉइंट ऑलरेडी है, तो 1 0 हम इंक्रीज कर सकते हैं। सो 1 0 मैंने इंक्रीज कर लिया, फिर 6 टाइम जाएगा 600, और ये फुल कैंसिल। ओके, तो रिजल्ट क्या आया, जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा डिवीजन खत्म हो जाता है। सो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.36। एंड ये किस टाइप का, जैसे सेकंड क्या बोल रहा है, से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, यहां राइट करेंगे एंड इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं, 1/11 को सॉल्व करते हैं। तो फिर यहां पे 1 रखने का, यहां 11। ओके, पॉइंट लगाने का 0, अभी तो जाएगा नहीं। तो अभी देखो, पॉइंट लगाने के बाद भी हमारे पास ऐसा नंबर है जो कि डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 0 और इंक्रीज कर देंगे, ये हो गया 100। 11 9 99 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, यानी वापस वहीं पे आ गया मैं। अगर आप देखें तो मैं 1 से ही तो स्टार्ट करा था ना, फिर से 1 पे आ गया। नहीं समझ आ रहा बच्चों को, ध्यान से देख लो, जब मैंने स्टार्ट करा था तो 1 लिया था ना स्टार्टिंग में, यहाँ 11, तो फिर से देखो 1 आ गया। अब आप क्या करेंगे, फिर से पहले 1 0 इंक्रीज करेंगे, पॉइंट की वजह से 1 0 इंक्रीज हो गया। देन इसके बाद फिर आगे आपको और, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर 1 0 और इंक्रीज करेंगे, लेकिन जब एक्स्ट्रा करेंगे तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा 0 लगाएंगे ना, क्योंकि पॉइंट सिर्फ एक ही 0 की है ना देगा आपको, ज्यादा नहीं देगा कि कितने भी बढ़ा दो आप। तो फिर से जाएगा 11 9 99, अब फिर माइनस करिए 1 बचा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 0.9 0.9 ये लगातार रिपीट करता जाएगा, तो मैं डॉट 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 कर दे रहा हूं, बट इसका आंसर क्या आएगा, 0.09 रिपीट कर रहा है, यानी बार 0.09 बार। अब बात आती है किस टाइप का है, तो टर्मिनेटिंग तो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो यहां राइट कर देंगे एंड इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट किस टाइप का नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग टाइप, रिकरिंग बताया था जो रिपीट हो रहा हो, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है ना। ओके, चलो आगे चलते हैं। अभी हम सॉल्व करेंगे 4 होल 1/8। अब या तो इसको आप एक इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 33/8। कैसे, 4 8 4 जा 32 32 + 1 33। ठीक है, नहीं तो आप क्या करिए, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए, मतलब इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या आप 33/8 करिए, या फिर इसको आप ऐसे लिख दीजिए 4 + 1/8। 4 अलग हो गया और 1/8 अलग हो गया, 1/8 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लीजिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम इस फॉर्म में करते हैं, आप ये वाले फॉर्म में करेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो मैंने यहां पहले क्वेश्चन लिखा 4 होल 1/8 और इसको लिख दिया 4 + 1/8। ठीक है, तो कुछ इस फॉर्म में लिख दिया मैंने, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब मैं ये जो 4/1/8 है इसको डेसिमल में के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा नाउ। ठीक है, 1/8 इज इक्वल टू, तो यहां पे डिवाइड देंगे हम साइड में, तो ये हो जाएगा, यहां पे हम राइट कर देते हैं 1 और यहां 8 से डिवाइड करूंगा, पॉइंट लगाओ क्या आएगा, 0।
एट वन जा एट कितना बचा टू माइनस करने पर, ठीक है, फिर एक जीरो और इंक्रीज कर सकता हूँ, एट टू जा सिक्सटीन कितना बच रहा है फोर, और एट फाइव जा फोर्टीन, ठीक है, तो ये हो गया रिमाइंडर जीरो। तो रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो हमारा आंसर आ गया 0.125। लेकिन ये कंप्लीट आंसर तो है नहीं, अगर हम फोर वन बाई एट को करेंगे तो ये क्या लिखा है, फोर प्लस वन बाई एट, वन बाई एट की वैल्यू क्या है, वन बाई एट की वैल्यू है 0.125, है ना, इसको ऐड करोगे तो आएगा 4.125, तो ये आप आंसर है, ठीक है ना। और ये रिजल्ट क्या है, रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है, आई मीन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है क्योंकि रिजल्ट जीरो आ गया, हम यहां राइट करेंगे इट इज टर्मिनेटिंग, है ना, और टर्मिनेटिंग में कोई भी टाइप तो होता नहीं है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, इसे नोट करेंगे। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 1/11, ये 1/11 से मिलता जुलता एक क्वेश्चन फिफ्थ है आपके इस एक्सरसाइज में, फिफ्थ, और फिफ्थ है 2/11, यानी 2 का मल्टीप्लीकेशन सिंपली कर दीजिए, 1818 ऐसे आता रहेगा, ओके, ठीक है, 1 8 क्या, हाँ बोल सकते हैं, देख लेंगे आप क्या आएगा क्या नहीं आएगा, खुद ही देख लीजिएगा। सो 2/11 ये आपका होमवर्क रहेगा, ओके, होमवर्क, तो आप इसको ये करना है क्वेश्चन। चलो पहले इसे फटाफट पॉज करके नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, ये मैंने सॉल्व करके कर दिया है, ठीक है, फालतू टाइम वेस्ट होता तो। अगर आप ध्यान देखिए, मेरे पास लिखा है 3/13, मैंने 3 को बीच में रखा इनिशियल ऑर्डर में, 0 आप अगर आप ना देखे तो 13 से मैं 3 को नहीं डिवाइड कर सकता, तो मैंने पॉइंट लगाया, 30 हो गया, 13 टू जाए 26, रिमाइंडर 4 आएगा, फिर 13 थ्री, अभी पॉइंट लगा हुआ है तो 0 तो इंक्रीज कर सकता हूँ, 0 हो गया, 13 थ्री 39, 1 रिमाइंडर आया। अब बात यहां से थोड़ी फंसेगी, क्योंकि हमारा 1 रिमाइंडर आया, अब हम एक पॉइंट की वजह से 0 इंक्रीज कर सकते हैं, बट 13 के टेबल में 10 तो नहीं आ सकता, यानी डिवाइड नहीं हो सकता, तो मैं एक 0 और इंक्रीज करूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पे बैलेंस करूंगा 0, ठीक है, यानी यहाँ वहां पे भी इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ये 100 हो गया। अब 13 7 जा 91, बचा कितना 9, फिर 90 हो गया, 13 7 जा आई मीन 13 6 जा 78, फिर 13 9 जा 117, आप देखिए 3 आ गया और मैंने यहाँ स्टॉप कर दिया। रीजन क्या है, क्योंकि देखिए मैं कहां से स्टार्ट किया था, 3 से, और मैं कहां पे आ गया, 3 पे, है ना, यानी अब ये डिवीजन फिर से वहीं से स्टार्ट हो गया, यानी अब फिर रिपीट करेंगे ये सारे टर्म्स, क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। सो मेरा रिजल्ट क्या आया, आंसर क्या आया, मेरा आंसर आया 0.230769 बार, ये सारे नंबर हमारे रिपीट करेंगे, ओके। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 की, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 4 से डिवाइड हमारे बहुत इजी रहते हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा, 4 से नहीं करना वैसे, 400 से करना है, ठीक है, तो 400 से कीजिएगा, पॉइंट लगाइएगा और 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, अगर नहीं आता है, सपोज ये नहीं आता है, ये दोनों क्वेश्चन आपको नहीं आते, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, बट आप ट्राई कीजिएगा, बेटर रहेगा। तो चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, यू नो दैट 1/7, आप जानते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, कैन यू प्रोजेक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, सॉरी 6/7 आर विद विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन आपको गेस करना है क्या हो सकता है, प्रेडिक्ट करना है, यानी गेस करना है, तो ठीक है, बहुत सारे बच्चे अब कर चुके होंगे, हाँ सर क्या हलवा सा क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे करते हैं, फिर भी बता देता हूं, वी हैव व्हाट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार, यू नो दैट, ठीक है, बार मीन्स ये कॉन्टिन्यू रिपीट करता रहेगा ये नंबर, ठीक है। अब अगर मुझे 2/7 फाइंड आउट करना है तो हम करेंगे क्या, 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, है ना, तो यहां पे हम करेंगे क्या, यहां राइट कर देंगे 2 × 1/7, 2/7 इज इक्वल टू यही होगा ना, 2 × 1/7। अब एक बात बताओ, नेक्स्ट लाइन 1/7 की वैल्यू क्या है, ये है 0.142857, यही है ना, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, सो 2/7 की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, यहां से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 7 × 2 = 40, 7 × 2 = 40,
इसके बाद 5 2 10, बट वेन वन कैरी था ना, तो 5 2 10 11, फिर वन कैरी हो गया 8 2 16 17, फिर वन कैरी हो गया 2 2 4 5, ओके 4 2 8 एंड 2 1 2. तो ये आपका रिजल्ट आ चुका है आई थिंक, ठीक है, आई थिंक ये आ ही गया और क्या. सो 2/7 को आप इस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्लियर है, सिंपल सा. सो अब आगे चलते हैं, हमारा 2/7 तो आ गया, अब 3/7 को भी देख लेते हैं. तो मैं इधर कर देता हूं 3/7. तो अगर मुझे 3/7 करना है तो 3 × 1/7 करेंगे. सो 3/7 इज इक्वल टू 3 × 0.142857. ओके चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 7 3 21, 2 कैरी, 5 3 15 17 17 17 और 1, 8 3 24 25, 2 कैरी, 3 2 6 2 8, 4 3 12, 1 कैरी, 3 1 3 4. तो ये आपका रिजल्ट है, ओके 3/7 का. इसी तरीके से 4/7, 5/7, 6/7. तो ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, यार रोने लगोगे तुम लोग. चलो अब अगर आपको 4/7 करना है तो आपको आपको 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.142857. मल्टीप्लाई करिए, 4 7 28, 2 कैरी, 5 4 20 22, 2 कैरी, 8 4 32 34, 3 कैरी, 4 2 8 3 11, 1 कैरी, 4 1 4 5. तो 0.51428, देख लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन माइनस अगर कुछ होगा, यहाँ 3 3 6, यानी यहाँ मिस्टेक है. फिर से एक बार चेक करता हूँ, ठीक है. तो अच्छा 6 ही आएगा, 28 यहाँ पे 2 कैरी है, 5 4 20 22, 2 कैरी, 8 4 32 34, 3 कैरी, 4 2 8 3 11, 1 कैरी, 4 4 16 1 17, 1 कैरी, 4 1 4 5. अब सही है, 5 7 1 4 2 8, और यहाँ बार लग जाएगा, है ना, ठीक है, ओके. सो अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसी तरीके से 5/7 कर लेंगे. 5 × 0.142857, ओके बार हट गया, ओके. सो 5/7 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 = 35, 3 कैरी, 5 5 = 25, 28, 2 कैरी, 8 5 = 42, 4 कैरी, 5 2 10 14, 1 कैरी, 5 4 20 21, 2 कैरी, 5 1 5 7. तो आपका रिजल्ट आ गया है 7 1 4 2 8 5, ये 5/7 का रिजल्ट है, ओके. 6/7 का आप निकाल लेंगे, बोलो यार, ठीक है, इजी है, निकाल लीजिएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन आप अपने मन से कीजिएगा. तो ठीक है, चलो अभी थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फटाफटा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, थर्ड मैं अभी रोका हूँ, रोके रखा हूँ, क्योंकि वो एक अलग है ना यूनिवर्स से आता है, तो उसे फिर से हम देखेंगे अलग से, कि कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है वो, आगे आने वाले टाइम पे आता भी बहुत है, ठीक है. तो पहले हम क्वेश्चन फोर देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे आप खुद ट्राई कीजिएगा, पहले मेरे से पहले ट्राई कीजिएगा पॉज करके, उसके बाद फिर मेरे आंसर से मैच करिएगा, आप पक्का सॉल्व दोगे. देखिए क्या लिखा है, आर यू सरप्राइज योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हैं और हुए होंगे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं. जिन बच्चों को मैथ में इंटरेस्ट है, वो मैथ बहुत मतलब चाहते हैं लगाने का, आगे आने वाले टाइम पे मतलब बहुत ज्यादा उनका इंटरेस्ट है मैथ में, तो पक्का उस वो इस आंसर इसके इस क्वेश्चन के आंसर से सरप्राइज होंगे, और उनको समझ में ये कैसे हो गया, इसका आंसर ये कैसे आ गया, ठीक है, और अगर आया तो फिर कैसे, ठीक है. तो आगे लिखा हुआ है कि आप डिस्कस कीजिए अपने टीचर और क्लासमेट से इसके आंसर पे. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, मैं इतनी बकवास इसलिए कर रहा था कि आप लोगों ने अब तक कर लिया होगा, आई होप बहुत सारे बच्चे कर लिए होंगे, कमेंट बताइएगा. चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका. लिखा हुआ है 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. तो पी बाई क्यू में कन्वर्ट करने के हम करते क्या है, पहले इस प्रॉपर नंबर को लेट कर लेते हैं एक्स के इक्वल, एक्स इज इक्वल टू 0.999 --, ये स्टेप्स है, ठीक है, ट्रिक है, एक्स के फॉर्म में हम लेट करते हैं इसको, ठीक है.
इक्वेशन नंबर वन लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? इक्वेशन नंबर वन। आगे जो नंबर या जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने नंबर वाले जीरो जीरो यानी टेन या हंड्रेड या थाउजेंड। कहने का मतलब ये है, सपोज दैट क्वाइन के बाद अगर सिर्फ एक नंबर रिपीट कर रहा है लाइक फाइव 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 ऐसे आ रहा है, तो हम टेन का मल्टीप्लीकेशन करते हैं इस नंबर पे। और अगर दो नंबर रिपीट कर रहे हैं जैसे 0.12, दो नंबर रिपीट कर रहे हैं तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर थ्री नंबर रिपीट कर रहे हैं तो 30 वाला नंबर यानी 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे आप देखें सिर्फ 9 रिपीट कर रहा है तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑन मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड, 10 बोथ साइड, बोथ साइड, इसके बाद हमें क्या मिलेगा 10 into x 10x। और इसको सॉल्व करेंगे तो 9 एक पॉइंट है ना, छलांग लगा के दूसरी साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.999 --। अब यहाँ पे कितने सारे 9 है, इनफिनाइट 9 है ना, बहुत सारे 9 है। तो वो बोलते हैं ना कहावत है कि ओशियन या समुद्र से अगर आप एक बूंद पानी निकाले तो क्या समुद्र का पानी कम हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसे ही अगर यहाँ पे इनफिनाइट नंबर से अगर आप उसमें से एक 9 निकालते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने देखे 9 एक 9 को आगे लेकर गए, तो आप ये मत सोचिएगा यहाँ अच्छा टोटल 4 9 से 4 9 अभी 3 हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ऐसा मत सोचिएगा। यहाँ पे कितने 9 हैं आप काउंट भी नहीं कर सकते हैं, ओके। इसीलिए जैसे मैंने एक 9 को आगे लेकर आया या पॉइंट पीछे गया तो एक 9 वो मतलब अपने फेस को सेम कर लिया, पहले 4 9 थे पॉइंट के बाद अभी भी नहीं, ठीक है। तो हम कर भी सकते हैं नहीं भी सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे इसको इक्वेशन नंबर 2 आप कर लीजिए, सिंपल है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सो ऑन सॉल्विंग बोथ इक्वेशन, ऑन सॉल्विंग बोथ इक्वेशन नंबर 1 and 2, सो वी गेट 10x is equal to 9.9999--, और यहाँ पे x is equal to 0.999, 5 हो गए, ठीक है, 9--, ठीक है। चलिए सब्सट्रैक्ट कीजिए तो यहाँ आ जाएगा 9x, और यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है 9 9 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0, बस ये 9 - 0 9 बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इनफिनाइट नाइन है ना, इसके पास भी कम नहीं होने वाला, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। सो मेरे पास एक्चुअल क्या आया, 9x = 9, तो x इज इक्वल टू पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं, 9/9। x की वैल्यू एक्चुअल में क्या आई, 9/9, जिसे आप क्या लिख सकते हैं 1, यानी x की एक्चुअल वैल्यू क्या आई 1, x की एक्चुअल वैल्यू क्या आई 1। अब आप क्या है, अब आप बड़े सॉल्व हो गए, जिन बच्चों को होना है वो तो हो ही गए होंगे। कहने का मतलब ये है कि मेरा जो क्वेश्चन था 0.9999 उसकी वैल्यू आ गई 1, यानी ये एक्चुअल में 1 की इक्वल होता है। मतलब कहने का कि अगर 25 लिखा है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 24.99999, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो 24 + 1 25 हो गया। क्या ऐसा हो सकता है क्या? क्या है इसके पीछे रीजन? शॉक तो हुए आप, सरप्राइज तो हुए, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है, 0.999 की वैल्यू 1 कैसे आ गई भाई, एग्जैक्ट होल नंबर 1 आ गया। अरे आप कुछ और सॉल्व कीजिए, आप 1/2 लेते हैं तो इसका रिजल्ट आता है 0.5, इसको फिर से p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 1/2 ही आता है, बट इसमें ये एरर कहां से आ गया 0.9 में, ये जो 1 में जा रहा है यानी अप्रोक्स में जो 1 होगा इसका वैल्यू वो कैसे हो गया? तो चलो देखते हैं इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, हम देखेंगे 9 का लीस्ट फैक्टर क्या होगा, हम 1 को छोड़ दो, उसका लीस्ट फैक्टर 3 है ना। तो हम एक ऐसा नंबर लेंगे लाइक 3 जैसे मैंने बोला, तो उसका जब हम जैसे 1/3, अगर हम 1/3 को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा। या चलो 1/3 को मैं छोड़ता हूं, थोड़ा ऐसे चलता हूं, 3 मैंने बोला, तो अगर मैं बोलूं 0.333--, दैट मीन 0.3 बार,
इसको अगर आप पी वाई क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सोचिए क्या आएगा, या आप देखिएगा करके क्या आएगा, आपका रिजल्ट आएगा, देख लीजिएगा, आएगा 3/9। आप करके देखिएगा 0.3333। अगर आप इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 3/9। इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा 3×3 = 9, मतलब 1/3। अब इसको वापस करिए, फिर से वही आएगा 0.33333 आएगा। करके देखिए, चलिए मैं करता हूं शॉर्ट में। यहां पे आ जाएगा 10x = 3.33333, ओके, और x = 0.33333। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 9x = 3, मतलब x = 3/9 आ गया ना, 3/9। अब 3 1 = 3 और 3 2 = 6, यानी अब डबल कीजिए, 0.3 समझ में आ गया। 0.3 की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या आएगा, ये आएगा 3/9, ओके। अब आप एक काम करिए, 0.666 की वैल्यू निकालिए और देखिए क्या आएगा। गारंटी ले रहा हूं इसका आंसर आएगा 6/9। सॉल्व करके देख लीजिएगा, विच इज, ये आएगा 1/3 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3, डबल 2/3 हो गया ये भाई। बात समझ में आ रही है, 3/9 6/9। अब इसको सॉल्व करके देखिए, जब सॉल्व करेंगे तो, चलो मैं सॉल्व कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 10x = 6.66666 और x = 0.666 इसको सॉल्व करेंगे तो 9x = 6 आएगा, तो x = 6/9 आ रहा है कि नहीं। तो आपने जब ये 3 लिया तो आया 3/9, आपने जब ये 0.666 लिया तो आया 6/9। तो 3 1 = 3 3 2 = 6 और जब 3 3 = यानी जब 3 टाइम इसको करेंगे यानी 0.999 तो आपका आएगा क्या, मतलब कहने का समझिए कि जितने भी 3 बेस ऑफ 3 वाले होते हैं उसका डिनोमिनेटर ऑलवेज 9 आता है, ऑलवेज 9, ठीक है। यानी अगर 0.1212 आ रहा है तो भी वो 9 ही आएगा, तो ऐसे आप समझिए, तो 999 हुआ। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, 9/9, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, आप डबल किए यहां पे तो यहां पे भी डबल हो गया, यहां ट्रिपल कर रहे हैं तो ये भी ट्रिपल हो जाएगा, 3 3 = 9। अब बताइए जरा, 9/9 की वैल्यू क्या होती, 1 हो गया, तो कोई मिस्टेक नहीं है, बट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको इसी को बताना है, ओके। और जैसे मैं बता रहा हूं, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट नहीं होते, और भी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि मेरे अगर क्वाइन में 5 है तो उसका ऐसे नॉर्मल देखिए, मान लीजिए लिखा हुआ है 0.1, तो आप इसे अगर डेसिमल आई मीन पी वाई क्यू के फॉर्म में इनिशियल कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 1/10 लिखते हैं ना, पॉइंट हटा के 10 नीचे लिखते हैं, तो नॉर्मली क्या आता है, 10 तो बेस के एज अ बेस फॉर्म में आता है, लेकिन कब, जब वो टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग के लिए आप फंडा क्या पढ़ते थे कि बेस 10 रहेगा, आप कोई भी ले लीजिए, अगर 2 होगा तो आपका हो जाएगा 2/10, है ना, अगर 3 रहेगा तो ये हो जाएगा 3/10, लेकिन अगर क्वाइन के बाद दो नंबर्स हैं जैसे 1 2, तो हम लोग बताते हैं कि 100 कर दीजिए, 2 5 है तो भी 100, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ 2 5/100 हो जाएगा, है ना, ये टर्मिनेटिंग के लिए। बट नॉन टर्मिनेटिंग के लिए तो अगर 3 वाले हैं तो वो 9 आ जाता है, और भी कोई ले लीजिए, 0.3 की जगह पे आप कोई और नंबर लीजिए, तब भी आपका 9 ही आएगा एज अ बेस, 9 आएगा। 0.22 लेकर देख लीजिए, चलो देखते हैं, 0.2222 लेकर देखते हैं, अगर हम 0.2222 करके लेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 2/9 करके देखिए, यहां पे आएगा 10x = 2.22, अगर हम x = 0.22, सो 9x = 2, तो x = 2/9। तो अगर हम इनिशियल सिर्फ एक डेसिमल प्लेस पे रिपीटिंग नंबर लेते हैं तो मेरा डिनोमिनेटर 9 आता है, सिर्फ 3 के लिए नहीं, सभी के लिए, अगर एक पॉइंट है तो। सो यहां कॉन्सेप्ट एक्चुअली में यही है, अगर 0.1 होगा तो भी वही चीज 1/9, 0.2 है तो 2/9, 0.4 है तो 4/9, 0.5 है तो 5/9। सो हमें एक कॉन्सेप्ट ये पता चला कि इस तरह के सारे नंबर्स के जो डिनोमिनेटर होते हैं वो 9 होते हैं। अब 9 है तो 9/9, और 9/9 क्या होता है, 1 होता है, बस सिंपल सा यही फंडा था इसका, क्लियर है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन, बहुत ही धांसू है, एक नंबर का, लेकिन ये याद रखिए बोर होने लगेंगे आप, वो जिनको मैथ से प्यार नहीं है, ठीक है, और जिन्हें मैथ बहुत अच्छे से बहुत मजा आती है वो इस क्वेश्चन को प्रॉपर बैठ के अच्छे से देखेंगे।
आपको मिस्टेक भी, क्योंकि हो सकता है शायद मैं मिस्टेक करूं, बहुत लंबा डिवीजन होगा। तो लिखा है व्हाट कैन मैक्सिमम द नंबर डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक। रिपीटिंग ब्लॉक आप जानते हैं, जैसे आप डिवाइड करते हैं नॉर्मली, तो यहाँ पे जो भी आता है लाइक 1, 2, 5 ये रिपीट कर रहा है, 5, 3 अगर मान लो तो रिपीट अगर कर रहा है तो ये आपका रिपीटिंग ब्लॉक है। अब टोटल यहाँ कितने नंबर है काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ 4 रिपीटिंग नंबर ब्लॉक में नंबर है। तो इन द एक्सपेंशन ऑफ 1/17 और आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ परफॉर्म द डिवीजन। ओके, तो डिवीजन भी आपको यहाँ डिवाइड करके देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। हम यहाँ पे राइट करेंगे 1 और इधर पे 70, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट आएगा 10, अभी डिवाइड नहीं होगा तो एक जीरो और 70 यहाँ हैंडल हो गया, ठीक है। 17 5 कितना होता है 85, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, आप सॉल्व कीजिए 15 माइनस करेंगे 15 आएगा। ओके, अब आप क्या करेंगे, पॉइंट तो पहले से लगा हुआ है ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जीरो कर देंगे 150। अब 17 व्हाट कितने टाइम जाएगा काउंट कीजिए, 17 9 153 यानी 8 टाइम जाएगा। यहाँ 5 लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ 5 आया था ना, तो 17 8 जा कितना आएगा, आप काउंट कीजिए 17 8 जा 1 व्हाट 20 28 कह रहा हूँ 36, ठीक है, तो 136। अब इसके बाद माइनस करिए कितना आएगा 14, ठीक है 17। अभी देखो फिर जीरो हो गया, 140 हो गया। अब 17 का फिर टेबल काउंट कीजिए, फिर से 8 बार भी जाएगा 136, कितना बच रहा है माइनस करिए 4 बच रहा, 40 हो गया। फिर जाएगा क्या 17 2 34, ठीक है, माइनस कीजिए कितना बच रहा है 6, तो ये 60 हो गया। अब क्या करेंगे 17 3 51 माइनस करिए कितना बच रहा है 9, ठीक है। अब मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, यहां 9 बच रहा है, बट ये यहां लिख देता हूं, तो यहां आ गया आपका 9। ओके, ये वाला 9। अब पॉइंट ऑलरेडी है तो ये हो गया 90, है ना। फिर कितनी बार जाएगा, फिर 6 टाइम जाएगा, ठीक है, 2 3 एक मिनट देख लेता हूं मैं, 9 बचा तो 5 8 8 2 3 30 17 5 करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, 7 टाइम्स में कर रहा था इसलिए, मतलब 7 का टेबल काउंट कर रहा था। 17 5 कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 85, ठीक है 85। इसको माइनस करिए कितना बच रहा है 5, फिर 50 हो गया। फिर 17 का टेबल काउंट कीजिए, 17 3 51 यानी ज्यादा हो जाएगा, तो 17 2 कीजिए। ओके, तो 17 2 34, मिस्टेक देखते रहिएगा, ठीक है, अगर मिल जाए तो 16 हो गया। अब आप फिर से 60 कर दीजिए, 160 हो गया। 17 का टेबल 17 9 कितना आएगा, 17 9 151, 9 बचा। ओके, फिर से ये 90 हो गया। ओके, एक मिनट, हाँ 90 हो गया। ओके, सो फिर 90 आ गया, एक मिनट, कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ आई थिंक, देखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आई थिंक हो गया है, यहाँ पे 26 आएगा आई थिंक, नहीं नहीं सही है, 160 राइट है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेता हूँ एक मिनट, ये मिस्टेक हुई यहाँ पे देखे, है ना, सॉरी, यहाँ 153 आएगा, ठीक है, होता रहता है यार, 153। अभी यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 7। ओके, तो 7 बचेगा, माइनस करके देख लीजिएगा, 70 हो गया। अब 17 कितना आएगा, 17 3 17 4 17 4 बेटर रहेगा, तो आप यहाँ 4 लिख दीजिए, 17 4 63, बोर मत होइए भैया। अब आप क्या बचेगा यहाँ पे बताइए, 17 4 60, यार क्या कर रहा हूँ, 17 4 68 not 63 68 बचा कितना 2, फिर से 20 आ गया, ठीक है, फिर 20 17 1 17 कितना बचा 3 बचा, 3 को मैं फिर से इधर लेकर आता हूँ, 30 हो गया, ठीक है, इसको माइनस कर लीजिएगा, फिर से 1 जाएगा, 17 1 17 क्योंकि 17 2 34, माइनस करिए कितना बच रहा है 3 और यहाँ पे 1, 13 बचेगा, ठीक है, 13 बच रहा है, वापस तो नहीं आ रहा है, अभी नहीं आए, ठीक है, फिर 130 हो गया। 17 के टेबल को फिर काउंट कीजिए, 17 6 17 7 119 17 8 136, ज्यादा हो जाएगा, तो 17 कितना बार करेंगे 7, तो 17 7 119 कितना बचेगा,
यहाँ बचा वन, यहाँ बचा टू, वन वन इलेवन हो गया, ठीक है, ये हो गया 110। अब फिर से आप काउंट कीजिए, 17 सिक्स 106, सॉरी 102, तो 102 माइनस करिए कितना बचेगा, यहाँ पे लिख देता हूं पहले, 17 सिक्स माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, 80 आ गया, फिर 17 17 फोर जा 17 फाइव जा ज्यादा हो जाएगा, 17 फोर जा कीजिए तो ये आ गया आपका 68, कितना बचा 12, फिर 120 हो गया, फिर से आप इसको डिवाइड कीजिए, 17 सेवन जा 119 हो गया, खत्म, 17 सेवन जा 119 बचेगा कितना 1। ओके, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि 1 हमारा फिर से आ गया और 1 था पहले से, तो ये सारे नंबर रिपीट कर रहे हैं क्योंकि फिर से वहीं से हमारा स्टार्ट हो गया और फिर से चालू हो जाएगा। यहाँ पे जैसे नहीं 151 कर दिया था मैंने, तो यहाँ पे 90 आ रहा था, 90 फिर से वहां से रिपीट कर रहा, वही मैं वहां पॉज करके देखा कि भाई क्या दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ 51 कर दिया था, उसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 1 आ रहा है, यहां से फिर से पूरा का पूरा डिविजन रिपीट करेगा, ठीक है, क्लियर है। सो अब आप काउंट कीजिए कि रिपीटिंग बॉक्स में टोटल कितने नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 नंबर्स है, ठीक है। सो व्हाट कैन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, 16 डिजिट्स, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो पॉज करके इसे फटाफट नोट कीजिए, ठीक है, तो आई होप नोट हो गया होगा। सो आज की क्लास इतनी ही, अभी हमारे और क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में देखूंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है, तो आप इतना पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, अगली वीडियो में जो क्वेश्चन जो मैंने थर्ड वाला बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसे देखना बाकी है, ठीक है, तो ठीक है आज के लिए इतना ही है, बाय।